तो दोस्तों आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ गाइस, इस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा है। बट फ्रेंड्स लॉकडाउन में हो क्या रहा है घर में, बस कुछ नहीं, पूरे टाइम फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो इस वीडियो को आगे तक देखना फ्रेंड। आज मैं आपसे बात करूँगा फ़ोन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, या मैं बात बोलूँगा आप मतलब अपने फ़ोन को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो देखो इस वीडियो को पूरा, और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद फ्रेंड चलिए थोड़ी शुरू करते हैं। तो वैसे आपको करना क्या है, मतलब मेन टिप्स मैं आपको अगर दूँ तो आपको अपना जो फ़ोन है उसको आपको क्लीन करके रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि फ्रेंड्स आप मतलब कुछ नहीं कर रहे तो फालतू फोटो क्लिक कर रहे हो, और या आप मतलब कोई वीडियो शूट कर रहे हो तो उसको आपको ईजिली स्टोर करके कैसे रखना है। तो आपको गूगल का एक ड्राइव एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसमें आप ईजिली स्टोर करके रख सकते हो, जो आपको मतलब डायरेक्टली जीमेल से कनेक्ट रहता है। तो आप मतलब ईजिली जो आपका डेटा है वो बिल्कुल बैकअप कर सकते हो आपको किसी भी फ़ोन में। तो ईजिली आपका जो बाकी का मतलब जो, और आप जो डिलीट भी कर सकते हो आप अपलोड करने के बाद, जो आपका गैलरी वगैरह उधर से आप फोटो डिलीट कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है फ्रेंड्स सेफ मतलब सेफली बिल्कुल अपलोड हो ही जाएगा। और बाकी का तो फ्रेंड्स आप जिस फ़ोन में आपका जीमेल सिंक होगा उस फ़ोन में आप मतलब वापस डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं आपसे बात करूँ जो दूसरी चीज़ है वो फ्रेंड डार्क मोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डार्क मोड या आई प्रोटेक्शन के बारे में अगर आपसे बात करूँ तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास होगा आई प्रोटेक्शन। तो आपको करना क्या है ऐसा आई प्रोटेक्शन से, मतलब यूज़लेस नहीं है, बहुत यूज़ वाला है। अगर आप रात को फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल ही करना कि आप इसे ऑन कर लो, तो आपको मतलब आंखों पे कम असर पड़ेगा, बिल्कुल अच्छा सा लगता है, क्योंकि अलग सी फीलिंग आ जाती है बिल्कुल अंदर से कमाल की। तो मतलब आप यूज़ कर रहे हो रात को और आपको मतलब दिक्कत आ रही है मतलब यूज़ करने में, या आप इंस्टाग्राम खोल रहे हो, या आप मतलब फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हो, या कोई भी आप गेमिंग वगैरह भी कर रहे हो, तो बिल्कुल आई प्रोटेक्शन आपके फ़ोन में होगा तो आप ऑन कर लो फ्रेंड्स। मतलब बेकार नहीं है फ्रेंड, आप ऑन करके देखना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगता है। और मैं आपसे बात करूँ जो आपका डार्क मोड है, आप जितना ज़्यादा हो सके आप मतलब डार्क मोड यूज़ करो फ्रेंड, मतलब जितना आपको अच्छा लगे डार्क मोड फ्रेंड, काफ़ी अलग सा लगता है बिल्कुल अतरंगी और मजा भी आता है फ्रेंड। डार्क मोड फ्रेंड अलग ही है बिल्कुल, तो डार्क मोड भी आप यूज कर सकते हो। और मैं आपसे बात करूँ जो तीसरी या चौथी टिप है जो मैं आपको बताऊँ वो है फ्रेंड्स आपके फ़ोन को कस्टमाइज़ करना। तो फ्रेंड कस्टमाइज आप मतलब काफ़ी सारे लॉन्चर्स आते हैं और गूगल प्ले स्टोर पे आपको देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड। लॉन्चर्स करते क्या आपको पता ही होगा वैसे, पर मैं आपको बताऊँ जो लॉन्चर्स का मैं यूज़ रहता है, मतलब आप जैसा आपका जो होम स्क्रीन वगैरह रहती है आपको बिल्कुल चेंज कर देते हैं, बिल्कुल अलग सा ही मतलब हाईटेक सा बिल्कुल फीलिंग आ जाती है। तो फ्रेंड्स आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी लॉन्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। मेरे हिसाब से आप नोवा लॉन्चर डाउनलोड करो, क्योंकि फ्रेंड नोवा लॉन्चर मैं भी यूज़ करता था, बहुत मस्त सा है बिल्कुल नोवा लॉन्चर और बढ़िया है, आप यूज़ करके देखना फ्रेंड बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपसे बात करूँ इसमें जो क्या कहते हैं आपका, एक बार सुबह चाय बिना पिए काम चल जाएगा, बस आपको मतलब इंस्टाग्राम यूज़ करे बिना काम नहीं चलेगा जब तक आप कोई भी स्टोरी वगैरह पोस्ट नहीं पढ़ लेते या स्टोरी नहीं देख लेते, न्यूज़ एक बार मत देखो बस। इंस्टाग्राम मतलब कुछ लोग होते हैं फ्रेंड जो सुबह उठते बिल्कुल इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह खोल दी और बस स्टोरी देखने लगे हैं, पोस्ट देखने लगे हैं। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको मतलब जिस बंदे की आपको पोस्ट नहीं देखनी है, आपको मतलब जिगरी दोस्त है आप उसे फॉलो करना ही पड़ रहा है दोस्ती के नाते आपको, या आपको उसकी पोस्ट नहीं देखनी है तो फ्रेंड्स आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो आपको पता ही होगा, बट नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, मेरे को भी अभी अभी पता चला। तो आप मतलब उनका जो नोटिफिकेशन है वो म्यूट कर सकते हैं आपका पोस्ट का और स्टोरी का, तो मस्त सा सीन हो जाता है मतलब बिल्कुल ही, आप मतलब पता भी नहीं चलेगा उसको कि आपने उसका पोस्ट नोटिफिकेशन बिल्कुल म्यूट करके रखा हुआ है। तो बस यही टिप्स थी। तो फ्रेंड बस लास्ट वीडियो में इतना ही। तो गाइस बस लास्ट वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।